और हम लोगों के बोलते बोलते ही वो वक्त भी करीब आ जाएगा। अब वक्त बहुत कम है, 6 मिनट का इंतजार है जिसमें एग्जाम का रिजल्ट आउट होने वाला है। इसरो से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं कि जो लैंडर विक्रम है वो बहुत करीब हो जाए। शाहरुख जल्दी से, अब ढाई किलोमीटर सिर्फ बचा है। शाहरुख, लगभग 50 डिग्री के एंगल पे है और धीरे धीरे जब ये 800 मीटर की दूरी पे आएगा तो सीधे 90 डिग्री तक ये मुड़ जाएगा। 50 मीटर 50 डिग्री एक बार टर्न हुआ, उसके बाद ये 40 डिग्री और टर्न होगा, 90 डिग्री टर्न करके ये पहुंच गया आपके वर्टिकल पोजीशन पे चले जाएगा। धरती वहां की अगर सतह को ध्यान में रखते हैं तो, और धीरे धीरे अब ये वर्टिकल वेलोसिटी भी घट रही है, वर्टिकल वेलोसिटी भी देखिए घट रही है। अब तो सिर्फ एक सेकंड, अब तो 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है, 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है, 150 मीटर की दूरी, बहुत बड़ा ये लैंडमार्क है। और इसीलिए तालियों की गूंज आप देख रहे हैं वहां पर, वैज्ञानिक भी एक क्षण को रुककर आप देख रहे हैं कि तालियां बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं, जहां वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इसरो से आप देख रहे हैं, दूरी बेहद कम हो चुकी है, 1 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी बची है। वहीं आप देख रहे हैं वर्चुअल वेलोसिटी घटकर 19-18 और वर्टिकल वेलोसिटी भी घटती चली जा रही है। धीरे धीरे जब 150 मीटर की दूरी बचेगी, देखिए 16 मीटर पर सेकेंड वर्चुअल वेलोसिटी, वहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल जीरो की तरफ बढ़ती हुई अब 4 मीटर प्रति सेकेंड के आसपास में है और दूरी कम होती चली जा रही है। लगातार वो वक्त बहुत करीब आ रहा है जब हमारे वैज्ञानिक, ये देखिए अभी तक संपर्क बधा हुआ है और ये तस्वीरें तालियों की गूंज, तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों में। अब जब आप देखिए, ये देखिए ये वाले फेज में आप देख रहे हैं, क्या हम माने कि वो लैंड हो चुका है? नहीं, अभी नहीं लैंड हुआ है, बट अब हमारा जो 40 डिग्री जो बचा था वो और रोटेट हो जाएगा और फाइनल 90 डिग्री पूरा वर्टिकली आ जाएगा। कह सकते हैं कि हमारे लूनर सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है, यानी वर्टिकल हो गया है, जो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने की चुनौती थी इसीलिए वहां पर तालियां बजी थी, वो अब वर्टिकली खड़ा हो चुका है लैंडर विक्रम। ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, यानी आप देख रहे हैं जो नीचे वाले उसके हिस्से हैं वो बिल्कुल सतह पर मून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस बहुत कम है, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वो ऊपर जाएंगे तो हमें डिस्टेंस भी दिख जाएगा कि कितनी दूरी बची है, लेकिन अब वर्टिकल पोजीशन ले चुके हैं और स्पीड भी बिल्कुल कम हो चुकी है। दूसरी तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जहां वो ब्रिक्स समिट के लिए गए। जल्दी से शाहरुख, कितने पास अब? जी, अब ये बहुत करीब है, 150 मीटर पहुंचने वाला है, वही ब्लाइंड स्पॉट आने वाला है हमारा 22 सेकंड का। और इस वक्त मैं बता दूं कि बहुत जोर से हम ब्रेकिंग नहीं कर सकते चंद्रमा के इतने करीब, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही महीन थिन लेयर होती है वहां के वातावरण की, बहुत ही थिन लेयर, इसकी वजह से जोर से ब्रेकिंग नहीं कर पाते। जल्दी से सवाल है, एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पर, इसीलिए जितनी थोड़ा सा है। छूट गई है, फुटप्रिंट्स भी नील आर्मस्ट्रांग के अभी तक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। बिल्कुल हाँ, और असल में आर्गन और नियॉन जैसे कुछ कुछ मटेरियल रहते हैं उसके एटमॉस्फेयर में, बहुत ही थिन, बहुत ही नगण्य, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है चांद में, उसको भी फैक्टर इन करके ये अभी आगे बढ़ रहा होगा। डिस्टेंस बहुत कम, 190 मीटर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हो चुका है ऑल्टीट्यूड, और वहीं पर स्पीड आप देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पीड भी आ गया है दो पे, मतलब लगभग बराबर हो चुके हैं दोनों, जीरो की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, जब हम ये लगभग जल्दी से अब देखिए 150 मीटर की दूरी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और यही है हमारा 151, बहुत बड़ा ये फेज सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी रुक गया है इस पॉइंट पे, 150 मीटर 139 आप देख रहे हैं, ये अब लगभग 20 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट हमारा, 22 सेकंड का होल्ड है यहाँ पे, यस 22 सेकंड तक इसी जगह पे इसी पोजीशन पे रहना, इसी ऑल्टीट्यूड पर रहेगा पूरे अपना जो भी उसकी लोकेशन है। एक सेकंड, इसीलिए आप देख रहे थे 149.98 पर वो इसी जगह पे उसको ओवर करना है। अपने दर्शकों को हम बता दें, लगभग 22 सेकंड तक इसी 150 150 मीटर की जो दूरी है, तभी आप तो हमें लग रहा है कि हमने ढूंढ लिया पॉइंट, हमने कर लिया वो दूरी, हमने सफलता से पार कर ली है। क्या ये बहुत बड़ी खुशी की घड़ी है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खुशी की घड़ी है, 27 मिनट का इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है 112 सेकंड, और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ वैज्ञानिक वहां पर ताली बजा रहे हैं क्योंकि पिछली बार यहीं पर मामला अटका था, अब हम उस घड़ी से भी आगे निकल चुके हैं। और एक बार फिर ये देखिए, अब 79 सेकंड 76, धीरे धीरे ये काउंटडाउन नीचे जा रहा है, स्पीड बढ़ गया, वर्टिकल वेलोसिटी हम जीरो की तरफ बढ़ चुके हैं, वहीं वर्टिकल वेलोसिटी भी हमारा वर्टिकल वेलोसिटी भी जो है वो भी घटता चला जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में वो दूरी है
तमाम बड़े बड़े फेजेस हमने पार कर लिए हैं सफलता के साथ। अब सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी है, बस अगर सतह पर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं हो तो कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, हमें थोड़ी देर में कोई नहीं रोक सकता। और ये देखिए 60 मीटर और ये 50 मीटर। अब मुझे लगता है कि अब वो दोनों को हम देखें, वर्टिकल वेलोसिटी नाउ इज 200-300 के बीच में, दो मीटर प्रति सेकंड। वही वर्टिकल वेलोसिटी एकदम जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो की तरफ जा रही है। दूरी आप टकराए थे, दूरी आप 200 किलोमीटर की रफ्तार से टकराए थे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ हिंदुस्तान बढ़ता हुआ, चंद्रयान का मिशन 3 सफलता की तरफ बढ़ता हुआ, चांद के दक्षिण पोल पर भारत अपना तिरंगा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आप देख रहे हैं तालियों की जबरदस्त गूंज, हिंदुस्तान के लिए आज बड़ा दिन। और आप देख रहे हैं इसरो के हेड सोमनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा लहराते हुए अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक जीत, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां कोई मुल्क नहीं गया था, दक्षिण पोल चांद का, अब हमारा हुआ क्योंकि हमने यहां पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है। आज पूरा देश इसरो के इन वैज्ञानिकों के सामने सिर झुकाता है। और ये अब आप देख रहे हैं सोमनाथ साहब को, जो कि इसरो के चीफ है, वो यहाँ पर संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। ये जोश, ये उत्साह आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त जश्न वैज्ञानिकों का, ये सालों साल की मेहनत है जो अंजाम पर आज पहुंची है। सुनिए सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। सर, I request our honorable prime minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन
चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है, हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, ऑन दिस जॉयस ओकेजन आई वुड लाइक सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है, इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर
जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक है, ये तारीख ऐतिहासिक 23/8/23। एंड लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक द पीपल बिहाइंड दिस मिशन, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3, ही इज हियर, वीर मुतवेल, कांग्रेचुलेशंस टू यू, द एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना एंड द मिशन ऑपरेशंस डायरेक्टर श्रीकांत। And the satellite was built at your Rao Satellite Center, Shankar and the director. Thank you, sir. Hey, Somnath, सबसे पहले अपनी कुर्सी से उठे और उसके बाद जोश और उत्साह देखे। प्रधानमंत्री ने भी जो बगल में तिरंगा उनके था उसको लहराया। ये चांद के दक्षिण पोल पर हम पहुंचे हैं, समझिए। विश्व में सिर्फ 3 देश थे जो हमसे पहले ये काम कर पाए, अमेरिका, रूस और चीन। सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट को, चंद्रयान 2 के मिशन को हमने बेस बनाया, वहां से क्या बदलाव करने हैं उस पर काम किया। और जब भारतीय दिमाग, भारतीय वैज्ञानिकों का दिमाग लगता है तो हम चांद तक पहुंच जाते हैं, ये दिख रहा है। एक बार फिर से मुझे लगता है कि ऑडी का रुख करना चाहिए। चित्रा, अब तो भंगड़ा पाले हो रहा है और वो गाना कुछ ही। दो तरह की कुंठाएं जन्म दी जाती थी, एक जो मेड इन इंडिया होगा वो अच्छा नहीं। सुना, उन्होंने बधाई दी है इसरो को, वैज्ञानिकों को, तमाम। क्या जाएगा उन ग्रहों पर? लेकिन आज देखिए, भारत के वैज्ञानिकों ने वो पल दिया है कि अब ऐसा कोई बोले उससे पहले उसकी सोच, उसकी इंटेलेक्ट पर सवाल हो जाएंगे। ये हमारे वैज्ञानिकों ने जो पल दिया है, ये नाचते गाते हुए बच्चे, उन सिनेमा के हीरोज नहीं, वो क्रिकेट के हीरोज नहीं, वो आज साइंटिस्ट बनना भी चाहेंगे, वो नहीं हिचकेंगे। उन्हें मालूम है कि किस तरह से पूरा हिंदुस्तान उनके लिए उस पल में भी खड़ा हो जाएगा। और हमारा जो ये मॉडल था जो लगातार हम दिखा रहे थे, अब उसमें से वो प्रज्ञान लैंडर निकल गया होगा ना? अब निकलना है, अभी, अब निकलना है, अभी लैंड कर गया है। अभी इसी तरीके से बंद डब्बा वहां पर पड़ा है और अब वहां से, और एक के बाद एक अंजना यहाँ पर वो मैसेजेस अपना शुरू हो गए थे, कांग्रेचुलेशंस। और मैं तो आपको भी मुबारकबाद दूंगी और पूरा जो देश देख रहा है, हर एक व्यक्ति इस समय क्या गर्व से सबका सीना चौड़ा है, लग रहा है कि हम ही चांद पर पहुंच गए। हर एक व्यक्ति को, पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस ऐतिहासिक पल को अचीव करने के लिए। ये पूरे हिंदुस्तान की कामयाबी है सर, और खासकर इसरो को, हाँ। जिन्होंने इतनी मेहनत की, और मैं देख रहा था कि वो कितने प्रिसीजन से सब जो भी हुआ, उन्होंने जिस तरह से प्लान किया और वो सभी प्रिसीजन से वहां पर हुआ और हम सक्सेस हो, सक्सेस मिला। और हम एक मीटर हम भी देख रहे थे यहाँ गिन गिन, वर्टिकल लैंडिंग कितनी परफेक्ट थी, हाँ। आप ये देखिए, और इसरो में 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर, सब ने मिलकर इस मिशन को, जो इट्स अ ह्यूज ह्यूज सक्सेस, मतलब पूरी दुनिया को हम लोगों ने दिखा दिया। मुझे लगता है साइंटिस्ट को आदत नहीं होगी कि इस तरह से ढोल, नगाड़ा, भंगड़ा, ये सारी चीजें होती रहे साथ में, लेकिन अब ये आदत लगानी पड़ेगी। पिछली बार कितनी तरह के मजाक सबने उड़ा दिए, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी भी इस चीज को लेकर बैठी रहती कि अरे साउथ पोल पर कोई नहीं गया है, चांद के आप लोग क्या अचीव कर लेंगे। और बजट, कितने कम बजट में हमने ये कर दिखाया है, 615 करोड़। और आमतौर पर जब हम अमेरिका जैसे देशों को देखते हैं जिनका भी फेलियर का रिकॉर्ड से आधा, जो लूना 25 उनका जो क्रैश हुआ उससे आधे से भी कम, 40 दिन हमने लगाए वहां पर, एक एक चीज को थरली देखा। और अब जो आगे होने वाला है वहां पर, जो आगे अनुसंधान, जो आगे शोध वहां पर होगा, वो पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को, जी। और साथ ही साथ आप ये देखिए, अगर नासा से कंपेयर करें तो हमारे इसरो का ओवरऑल बजट 15 गुना कम है, पंद्रह गुना कम है। गुना कम है।
भारत जैसा विकासशील देश जहां पर एक एक पैसा देखकर खर्च किया जाता है, वहां पर अगर आप चांद तक पहुंच गए हैं तो उस खर्चे में जो कि नासा से 15 गुना कम है और सफलता ऐसी जो पूरी दुनिया में कोई अभी तक अचीव नहीं कर पाया और था। एक और अच्छी बात है, कुछ ऐसी हॉलीवुड मूवीज हैं जो इस प्रोजेक्ट से ज्यादा महंगी बनी है तो जैसे ग्रेविटी, तो वो कहीं ज्यादा इससे महंगी ज्यादा मूवी बनी थी, जितना 615 करोड़ में हम लोग चांद पे चले गए। और इसीलिए अंजना मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर से एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर जो ब्रिक्स की बैठक का आयोजन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ भी इस समय जब टीवी पर सुन रहे थे, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, यानी उससे ठीक पहले जब लैंडर वहां पर पहुंचा था यूपी में और कई और राज्यों में, यह ऐलान भी कर दिया गया था जो स्कूल है वहां पर बच्चों को एक साथ बिठाकर दिखाया जाए, जो बच्चे घर पर भी थे उन सबको स्कूलों ने भी वो लिंक्स भेजे। आज तक ने अलग अलग जगह पर इंतजाम किया जहां पर आप लैंडिंग देख सकते थे। और क्या पल था वो वाकई, मतलब थिएटर में सिनेमा देखकर तालियां बजाने का समय नहीं था, ये असली हीरोज थे हमारे और सचमुच में एक ऐसी जीत हासिल कर रहे थे जो आने वाले समय के लिए एक मिसाल है, एक नजीर है। उस रास्ते पर चलते हुए न जाने कितने देश अभी और इस तरह के शोध करने की कोशिश करेंगे, इस तरह के कारनामे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहला हमेशा पहला होता है। भारत वो पहला देश बन गया है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर चांद के, जिसको लेकर न जाने कैसी कैसी बातें कही जाती थी और भारत में नहीं पूरी दुनिया में कही जाती थी कि क्यों नहीं वहां पर लैंड कर सकता है कोई, लेकिन आज उन सारी चीजों को, वो सारी जो गलत फहमी, जो सारे जो अजीबोगरीब तर्क और झूठी थ्योरीज थी, उन सब को नकार दिया है भारत। पिछले साल तक यूएस में इवन आपके वहां के जो मीडिया पोस्ट थे उसमें भारत का मजाक बनाया गया था एक कार्टून के जरिए, चाइना में भी मजाक बनाया गया था, एलीट क्लब, बिल्कुल जी। तो आज हम सबने, पूरे भारत ने, पूरी दुनिया को जवाब दे दिया है। और जैसा कि आपने कहा कि अब कोई अब हमारे पर उंगली उठाएगा तो उसके इंटेलेक्चुअल पे सवाल उठेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि इस तरह की बात आप कैसे कर सकते हैं। वो जो कार्टून है वो भी हम आपको बता देते हैं कि भीतर दो चार देश ऐसे जो चांद पर पहुंच चुके हैं वो बैठे हुए हैं और बाहर दरवाजे पर खटखटा रहा है एक गरीब व्यक्ति जो एक गाय को लेकर अपने साथ जा रहा है। तो वो कहा गया कि भाई वो एलीट क्लब है, तुम अपनी गाय को लेकर कहीं और जाओ। तो देखिए हिंदुस्तान के पास वो संस्कार भी है कि गौ को माता, पृथ्वी को माता कहे, चंदा को मामा कहे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चांद पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और चांद पर जाएंगे भी और उस जगह पर जाएंगे जो सबसे मुश्किल हिस्सा इसका अंजना रहेगा। ये आज हिंदुस्तान ने साबित कर दिया है, हमने वर्षों वर्षों से साबित किया है, पर आज कम से कम दुनिया में जिसने वो कार्टून बनाया होगा और जिन लोगों ने छापा है जिस अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने, वो सब बगले झांकते रहेंगे। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात तो श्वेता इसकी टाइमिंग है, ब्रिक्स सम्मेलन जहां रूस और चीन दोनों है और खास तौर पर चीन, जिसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, और फिर G20 9 और 10 सितंबर को जब ये तमाम मुल्क आएंगे और भारत की ताकत को देखेंगे, फिर सब भूल जाएंगे मजाक उड़ाना क्या होता है, सिर झुकाएंगे इस देश के सामने जो विश्व गुरु बनने की राह पर इतनी तेजी से बढ़ रहा है सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी लगन से। सोचिए एक चंद्रयान 3 मिशन को अंजाम तक ले जाना जिससे ज्यादा खर्च पर बॉलीवुड की फिल्म बनी हो। सोचिए Luna 25 रूस का मिशन जो फेल हो गया वो लगभग दोगुने खर्च उस पर हुआ था। जेपी नड्डा इस वक्त बोल रहे हैं, उसके बाद चलेंगे आपको अपनी सहयोगियों के पास लिए चलेंगे जो जश्न मना रहे हैं अलग अलग कुशल